प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलबुर्गी में एक सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करके कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने इस दौरान, आप भी सुनिए। ये दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए कांग्रेस का एक ही एजेंडा बचा है, जितना लूट सको लूट लूटो। क्या आप लूटने देंगे क्या? लूटने देंगे क्या? साथियों, अब राज्य सरकार इस तरह काम कर रही हो, आपको लूट रही हो, तो ये बहुत जरूरी है कि संसद में आपकी आवाज जरूर पहुंचे। कर्नाटक को लूट से बचाने के लिए सांसद के रूप में मुझे एक रक्षा कवच बनाना है, ताकि इन पे निगरानी रहे, हर पल मुझे दिल्ली में खबर रहे और कर्नाटक की जनता के लूटने के कारनामों को मैं रोक पाऊं। जब यहां कर्नाटक में ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद जीतेंगे, तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को डर करके रहना पड़ेगा, सात बार सोचना पड़ेगा कि अब खबरें मोदी को पहुंच रही है। बीजेपी सांसद यहां कांग्रेस के कारनामों को लाख कोशिश करे, कांग्रेस वाले छिपाने नहीं देंगे। और इसलिए मुझे कर्नाटका से ज्यादा बीजेपी सांसदों को आशीर्वाद मिले, जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं आपसे, आपका ये सेवक, प्रार्थना करने आया है। सभी सीटों पर भाजपा को जिताएंगे, आप पक्का जोर लगाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, बीजेपी की जीत पक्की करेंगे। साथियों, भाजपा ने हमेशा कर्नाटका के विकास के लिए काम किया है, हमने कर्नाटका की पहचान को सम्मान दिया है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं लोकतंत्र के उन सिद्धांतों की बात करता हूं जिसे हमें जगतगुरु बसवेश्वरा ने हमें सिखाया था। हमने अनुभव मंत्रपा से प्रेरणा लेकर ही दिल्ली के भारत मंडपम का नाम रखा है। इसी जगह दुनिया भर के नेताओं की G20 समिट हुई थी। इससे पूरे विश्व में कर्नाटका का गौरव, कर्नाटका का सम्मान बढ़ा था। साथियों, जब हम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पूरी दुनिया उसे स्वीकार करती है। दुनिया को कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब ये बात कांग्रेस वाले सुनते हैं, सुनते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग दुनिया भर में जाकर हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को,
हमारी महान परंपराओं को बदनाम करते हैं। ये लोग भगवान बसवेश्वरा की विरासत का मजाक उड़ाते हैं। साथियों, भाजपा ने कर्नाटका के हर समाज, हर वर्ग के लिए काम किया है। हमारे कामों से कैसे परिस्थितियां बदली हैं, हमारी माताएं बहनें इस बात को बखूबी समझ सकती हैं। पहले पैसों की कमी के कारण घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग अपनी बीमारियां छिपाते थे, बच्चों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि ये बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा और इतना बड़ा खर्च हो जाएगा कि बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। इसलिए हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग बीमारी की पीड़ा सहन करते थे पर बच्चों पर कर्ज नहीं होने देते थे। लेकिन बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना लाकर हमने लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया। और मैंने हर माता बहन को कहा है, अब बीमारी को छिपाने की जरूरत नहीं है, अब माताओं बहनों पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। पांच लाख रुपए तक इलाज की गारंटी मोदी देता है। हमारे कर्नाटका में इस योजना से करीब करीब 80 लाख मुफ्त इलाज हो चुके हैं और वे सब मोदी को आशीर्वाद देते हैं। लोग मुझे पूछते हैं ना, मोदी इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? अरे जहां मेरे कर्नाटका के 80 लाख लोग जो बीमारी से मुक्त हुए हो, जब उनके आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो एक बड़ी एनर्जी लेकर के आते हैं, बड़ी ऊर्जा लेकर के आते हैं। आज मुफ्त इलाज की एक गारंटी, ये मोदी की गारंटी बन गई है। पहले गांव की महिलाओं को भीषण गर्मी में पानी लेने के लिए घर से दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने कर्नाटका के 75 लाख से अधिक 75 लाख से अधिक परिवारों को उनके घर तक नल से जल पहुंचाया है। साफ पानी की सुविधा आज ये मोदी की गारंटी बन गई है। पहले एलपीजी कनेक्शन ना होने के कारण हमारे घरों में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी। आज हमने कर्नाटका में उज्ज्वला योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन इन माताओं बहनों की तबीयत को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को धुएं से बाहर निकालना, धुएं से मुक्ति दिलाना, ये है मोदी की गारंटी।
हमने कर्नाटक में 8 लाख से ज्यादा पीएम आवास बनाए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर दिया, जो कच्चे झोपड़े में रहते थे उनको पक्का घर दिया। इतना ही नहीं, जो घर हमने दिए हैं ना, इनमें से ज्यादातर घरों को हमने महिलाओं के नाम रजिस्टर किया है। इन कोशिशों ने आज कर्नाटका की महिलाओं का जीवन बदला है। यही कारण है कि कर्नाटका के हर घर की महिलाएं आत्मविश्वास से कह रही है, भरोसे से कह रही है, हर मां बहन कह रही है, आएगा तो। साथियों, ये बीजेपी ही है जिसने कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है। कांग्रेस वाले हमेशा इस क्षेत्र को पिछड़ा बताकर पल्ला झाड़ लेते थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार बनने के बाद कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड को हजारों करोड़ रुपए की मदद की। कांग्रेस वालों ने इस क्षेत्र में विकास करना जरूरी नहीं माना। हमने तुअर दाल के किसानों को फसलों के अच्छे दाम दिलाकर उनकी मदद की है। कलबुर्गी से रायचूर के बीच उत्तर कर्नाटका का पहला 6 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।